नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज। मैं आपका अंजलि पार्टी लान कानपुर में से स्वागत करता हूं। यहां पर मानवर कासीराम जी के 84वें जन्मदिन की एक सम्मेलन रखा गया है, वहां से मैं आपका स्वागत कर रहा हूं। मेरे साथ हैं इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि माननीय सतीश चंद्र जाटव जी। सर्वप्रथम तो मानवर काशीराम जी के जन्मदिवस के आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ये बताएं सर कि मानवर साहब ने बीएसपी बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? बीएसपी बनाने का उनका मेन उद्देश्य ये था, जो अभी हमने आप रहे हो तो सुना हो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो महापुरुषों का कारवा था, ये बीएसपी ही केवल राजनीतिक पार्टी नहीं है, बीएसपी एक मूवमेंट है, विचारधारा है। विचारधारा ये तथागत गौतम बुद्ध से चली, छत्रपति शाहू जी महाराज से चली, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से चले, महात्मा ज्योतिबा राव फुले से चली, बराबर चलती चली आई। लास्ट में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उसको फॉलोअप करके उसको एक रिटिन बनाकर तैयार कर दिया, किताब बुकलेट बना दी संविधान के तौर पर। तो बाबा साहब ने उसी समय अपने आखिरी भाषण में आगरा में कहा था कि अय मेरे बहुजन समाज के लोगों, अय मेरे दलित शोषित समाज के लोगों, अगर इस कारवा को, महापुरुषों के कारवा को आगे नहीं ले जा सको तो पीछे मत जाने देना, जरूर कोई न कोई ऐसा आएगा जो निकल करके इस कारवा को आगे ले जाएगा। तो मानवर कांसीराम साहब ने उसी बात से प्रेरणा लेकर उस महापुरुषों के कारवा को आगे बढ़ाने के लिए पहले बामसिप बनाई, फिर DS4 बनाया, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी बना करके उसको जीवित कर दिया। बहुत से लोग कहते हैं कि मानवर साहब केवल दलितों और शोषितों के ही नेता रहे हैं, 85% के नेता नहीं रहे, जैसा कि 15 और 85 का फार्मूला चलता है, तो क्या ये OBC के नेताओं में काउंट होते हैं? OBC के नेता मान्य हैं ये? देखिए ऐसा है, मैं बताऊं आपको, मानवर कांसीराम साहब एक ऐसे नेता थे जिन्होंने इस देश में नारा ही दिया था दलित शोषित और मजलूम, और उन्होंने क्षेत्र में जाकर के जो काम किया, जो जाकर के देखा, मैं समझता हूँ ऐसा कोई नेता कभी कर नहीं सकता है। मानवर कांसीराम साहब ने देश में चौराहों पर जाकर रिक्शे वालों से पूछा कि आप क्या हैं, या तो दलित मिलते थे, या मुस्लिम मिलते थे, या पिछड़े समाज के मिलते थे, तो उन्होंने उस समय नारा भी दे दिया था, दलित मुस्लिमा करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। मतलब OBC और दलितों और मुसलमानों के सर्मान्य नेता थे। जैसा कि कांसीराम जी ने कहा था कि हम एक अम्बेडकराइज्ड मूवमेंट लेके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जब सत्ता या बागडोर पार्टी की मायावती जी के हाथ में आई थी तो उन्होंने एक नारा दे दिया, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। तो क्या वाकई में अम्बेडकरवाद उस समय ख़त्म हुआ या परिवर्तन हो गया है, या उसमें कुछ और भी प्रचार प्रसार कर दिया गया है? देखिए आप जो कहना चाह रहे हैं, अम्बेडकरवाद ही सर्वजन को लेकर के चलता है। अम्बेडकरवाद एक इतना ब्रह्मांड चीज़ है, अम्बेडकरवाद को देख लें अगर, तो अम्बेडकरवाद में उन्होंने जो भारत का संविधान बनाया है, भारत के संविधान में उन्होंने ये नहीं लिखा है कि दलितों को ये अधिकार होगा, पिछड़ों को ये अधिकार होगा, या अल्पसंख्यक को अधिकार होगा। उन्होंने कहा भारत के रहने वाले प्रत्येक नागरिक को, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सबको बराबर का अधिकार दिया, वोट का अधिकार दिया, संपत्ति रखने का अधिकार दिया, सड़क पर चलने का अधिकार दिया। अब क्या बताएं, इस पर बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप कहेंगे सर्वजन होता है सर्वजन सुखाय, अभी भी अम्बेडकरवाद पर ही कायम है, अम्बेडकरवाद ही उसका मूल वो है। सर ये बताइए, जो अभी उपचुनाव हुए हैं, सपा और बसपा का जैसा गठबंधन हुआ है और जो ये सीटें जीती गई हैं, क्या ये हमें गठबंधन 2019 में भी देखने को मिलेगा? देखिए अभी गठबंधन, इसको आप ये मान के चले, ये तो केवल एक वो था, ट्रेलर था, और गठबंधन कहीं लिखित परत में नहीं हुआ, ना कोई वो हुआ, लेकिन उस ट्रेलर का मतलब बहन जी वहाँ गई भी नहीं, किसी सीट पर चुनाव के लिए कंपेनिंग करने नहीं गई। यहाँ तक कि हमारी पार्टी के कोई भी बड़े या छोटे नेता भी केवल भाई क्षेत्रीय लोगों के रहे जरूर, बाकी कोई कंपेनिंग करने नहीं गया, लेकिन बहन जी की मंशा और गुप्त आदेश को देख करके दोनों सीटें जीत ली, और दोनों ही नहीं, मध्य प्रदेश की भी जो सीट थी वो भी जीत गए।
सर ये कह सकते हैं कि 85% एक हो रहा है? अब अभी तो नहीं, संकेत तो है ना, अभी तो नहीं, अगले चुनाव में 85 ही नहीं, इस देश में जो जो परेशान हो रहा है सब परेशान लोग इकट्ठे होकर के और करेंगे। हमारे यहाँ 85 या वो नहीं है, बहुजन समाज भाई बाबा साहब ने संविधान बनाया उसमें 85 नहीं, सबको 100% को लाभ दिया है। अब पूरा सर्व समाज इकट्ठा होकर के वो कर रहा है, इसका नतीजा आने वाले 2019 में दिखाई दे जाएगा। ये माने कि 2019 में पीएम कैंडिडेट के लिए देखिए ये सर्वमान्य नेता है, इस समय सर्वमान्य नेता है, ये तो हम नहीं कह रहे, ये तो आपके कल आपने अगर चैनल और न्यूज देखा हो तो पूरे देश और विदेश की मीडिया कह रही थी इस बात को। मतलब 2019 में अगर सर्वमान्य नेता के तौर पे पीएम कैंडिडेट के लिए अगर बहन जी का नाम अगर घोषित भी कर दिया जाता है तो इसमें कोई आश्चर्यचकित वाली बात नहीं होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।